नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम देख रहे हैं भागवत कक्षा में स्कंद एक अध्याय आठ, जिसका नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। उसमें श्लोक संख्या 43। मेरे पीछे बोलिए। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि रस भाव निधृग, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि रस भाव निधृग, राजन्य वंसा दहनानपवर्गत वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि वृषभाव निधृग, राजन्य वंसा दहनानपवर्ग वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि वृषभानि ध्रुग, राजन्य वंसा दहनानपवर्ग वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। प्लीज रिसाइट। आई विल डू इट वंस अगेन। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि वृषभाव निधृग, राजन्य वंसा दहनानपवर्ग वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरार हरावतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। यस, नाउ रिसाइट। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि वृषभानि ध्रुग, राजन्य वंसा दहनानपवर्ग वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अचल भक्ति प्रभु, प्लीज ट्राई इट। एनीवन एल्स? माता जी, इसमें कोई? श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि वृषभाव निधृग, राजन्य वंसा दहनापवर्ग वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शब्दार्थ। श्री कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण सखा, हे अर्जुन के मित्र, वृष्णि वृष्णि कुल के अवंशज वृषभ, हे प्रमुख,
अवनी पृथ्वी ध्रुक विद्रोही राजन्य वंश राजाओं का वंश दहन हे विनाशकर्ता अनपवर्ग कमी के बिना वीर्य पराक्रम गोविंद हे गोलोक के स्वामी गो गायों के द्विज ब्राह्मणों के सुर देवताओं के अर्तिहर दुख दूर करने हेतु अवतार हे अवतार लेने वाले योगेश्वर हे सभी योग शक्तियों के स्वामी अखिल संपूर्ण जगत के गुरु हे गुरु भगवन हे समस्त ऐश्वर्य के स्वामी नमः ते आपको सादर नमस्कार है। अनुवाद हे कृष्ण हे अर्जुन के सखा हे वृष्णिकुल के प्रमुख आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्ट को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरे पीछे दोहराइए हे कृष्ण हे अर्जुन के सखा हे वृष्णिकुल के प्रमुख आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता है। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्ट को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। श्री राधा माधव की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामैया की गौर निताय की श्री प्रभुपाद की। तात्पर्य बाईस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान श्री भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी रहती है। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने हेतु अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायताय कृपाद्वये कृष्णसंबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पादांभोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। गौर आविर्भव भूमे स्वाम निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पादां भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यादुंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शिलगोविंद देवाउपेष्टालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटततसितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कुंती महारानी के प्रेयर्स में ये सबसे आखिरी प्रेयर है जो अभी हम आज देख रहे हैं 43rd श्लोक। ये समरी है जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सो श्लोक नंबर 18 से प्रेयर्स चालू होते हैं टिल 43 ऑलमोस्ट 25 प्रेयर्स कुछ है कुंती महारानी के। उसके ऊपर प्रभुपाद ने एक अलग से किताब भी लिखा है ये प्रेयर्स के ऊपर और इसमें जो है कुंती देवी समराइज कर रही है कि कृष्ण की क्वालिटीज़ को बताया गया है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कृष्ण को एक्चुअली नाम दिया गया कृष्ण सखा। हाँ, जैसे हम देखते हैं कृष्ण का नाम है पार्थ सारथी क्योंकि वो अर्जुन के सारथी बने थे तो एक्चुअली अर्जुन सखा आना चाहिए बट यहाँ पे कृष्ण सखा लिखा है। तो प्रभुपाद के लेक्चर में कुछ समझ नहीं रहा था तो प्रभुपाद के लेक्चर में प्रभुपाद इसका दो मीनिंग बताते हैं। एक कृष्ण सखा प्रभुपाद लिखते हैं कि वो अर्जुन के मित्र है और कुंती महारानी पुकार रही है क्योंकि कुंती महारानी यह अफेक्शन से पुकार रही है कि मेरा लड़का मतलब माय सन इज़ आल्सो योर बेस्ट फ्रेंड सखा। तो उस हिसाब से वो कृष्ण सखा यूज़ किया है। और दूसरा मीनिंग यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि द्रौपदी का नाम भी क्या था दूसरा नाम कृष्णा था कृष्णा। तो क्योंकि द्रौपदी को कृष्ण ने बचाया था वस्त्रहरण में भी और अक्षय पात्र के पास टाइम में भी तो फिर यहाँ पे उनका उनके रिलेशन में भी वो कृष्ण सखा आता है। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये कृष्ण सखा की यूज़ किया है। वैसे यहाँ पे यूज़ किया है वृष्णी नाम यूज़ किया गया है क्योंकि वो वृष्णी कुल में उनका जन्म हुआ था और वो अपियर हुए थे और वहाँ के वो प्रमुख थे। इनसे मथुरा छोड़ने के बाद हमें पता है जरासंध की स्टोरी है कि जरासंध मथुरा पे 17 बार अटैक किया और हर बार कृष्ण बलराम क्या करते थे उसको डिफीट करते थे उसके आर्मी को मार देते लेकिन उसको नहीं मारते थे। तो हर बार वो वापस जाता था ये सोचकर कि अब मैं संन्यास लूँगा और वहाँ पे जाके उसके जो मंत्री या उसके सह पार्षद होते थे वो उसको और उकसा देते नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम आप कर पाओगे। हमारा भी कुछ ऐसा ही हालात है कि एवरी टाइम वी ट्राई टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर थिंकिंग दैट आई एम द सुप्रीम और
मैं भोगता हूँ, बट हमें हर समय क्या होता है उसका रियलाइजेशन आता है कि हम भोगता नहीं है, एक्चुअली कृष्ण भोगता है। हमेशा हम डिस्ट्रेस आता है, कोई भी हैप्पीनेस नहीं आता, बट एवरी नाउ एंड देन हमारे पार्षद कौन है? हमारा मन, हमारे मन और हमारे सेंसेस, इंद्रिय, वो हमारे हमको बता रहे हैं कि नहीं नहीं आप एंजॉय कर सकते हो, आप ही भोगता हो, क्योंकि मिरर में सामने खड़े होते हैं तो हमारी आंखें बताती हैं आप ही भोगता हो, बहुत अच्छा दिख रहे हो ऐसे करके। तो ये समझ सकते हैं इसमें कि जरासंध कैसे मदोन्मत हो गया था कि कृष्ण को फाइट करने का, ऑल्दो इतने बार हार गया तो भी क्या हुआ, वो हर बार अटैक कर रहा था, 17 बार अटैक किया उसने, 17 बार हार गया। फिर 18वें टाइम जब ही जरासंध अटैक करने आया तो कृष्ण ने सोचा अभी बहुत हो गया, कितना फाइट करेंगे। और उसी टाइम पे काल्यवन नाम का एक डकॉइट बोल सकते हैं, वो भी कृष्ण के ऊपर अटैक करने आ गया। तो कृष्ण ने सोचा कि अभी दोनों जन अटैक करेंगे, मैं और कृष्ण और बलराम अगर फाइट करने जाएंगे तो मथुरा सिटी पर तकलीफ़ होगा, मथुरा वासियों पर तकलीफ़ होगा, तो इससे बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से छोड़ के जाते हैं। फिर वहाँ से कृष्ण बलराम मथुरा छोड़ते हैं, द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इन बिटवीन द्वारका जाते वक्त कृष्ण क्या करते हैं, काल्यवन पीछे करता है कृष्ण का कंटिन्यूसली कि इसको पकड़ूंगा ही मैं आज, ये भाग रहा है मतलब मेरे से डर गया है, ऐसा काल्यवन को लगता है कि कृष्ण मेरे से भाग रहा है मतलब मेरे से डर गया है, तो सोच रहा है मैं कभी ना कभी पकड़ के उसको मारूंगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, गुफा में घुस जाते हैं, और वहाँ पे गुफा में घुस जाते हैं तो पूरा अंधेरा रहता है, और काल्यवन भी उनके पीछे पीछे गुफा में घुसता है। गुफा में घुसता है तो वहाँ पे देखता है कि कोई तो एक आदमी, कोई तो एक व्यक्ति सोया हुआ है चादर ओढ़कर। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी चादर वो जो जिसके ऊपर है उसके सुला देते ताकि लगे कि मैं कृष्ण हूँ, वही कृष्ण है। तो जैसे ही काल्यवन आता है वो देखता है अरे यहाँ पे तो कृष्ण सोए हैं, वो सोचता है कि एक तो भाग रहा है मेरे से, ऊपर से अभी छुप गया है, छुपने का मतलब होता है ना, बिल्ली जैसे दूध पीते आँखें बंद करती है, सोचते कि कोई देख नहीं रहा है मुझे, वैसे वो सोचता है कि कृष्ण पे ऐसे ही है कि चादर ओढ़कर सो गए हैं और एक तो भाग रहे हैं मेरे से दूर, और अभी इधर आने के बाद भी फाइट करने को रेडी नहीं है, सोने का नाटक कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, जोर से लात मारता है, और एक्चुअली वो कृष्ण नहीं होते, वो होता है मुचुकुंद राजा, जिनको बेनिडिक्शन मिला होता है, बून मिला होता है कि उन्होंने डेमी गॉड्स के लिए बहुत अच्छे से बहुत सालों तक उन्होंने जनरेशंस तक उन्होंने फाइट किया होता है डेमी गॉड्स की तरफ से। तो जब भी वो थक जाते हैं मतलब जीत जाते हैं डेमी गॉड्स, तो वो बून मांगते हैं मुचुकुंद राजा कि क्या मतलब डेमी गॉड्स पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपने हमें इतना हेल्प किया। तो मुचुकुंद राजा बोलते हैं कि मुझे सिर्फ सोना है अभी, I just want to sleep, और अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करता है तो मेरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी वो जल जाएगा। तो मुचुकुंद राजा तो डेमी गॉड्स उनको वो बून देते हैं, और मुचुकुंद राजा ये गुफा में सोए रहते हैं। ऑफकोर्स कृष्णा सर्वज्ञानी हैं तो पता रहता है कहाँ पे मुचुकुंद राजा सोए हैं, तो काल्यवन को वहाँ पे लेके आते हैं, और एक बून मिलता है मुचुकुंद राजा को कि आपको इसी बॉडी में सुप्रीम पर्सनल गॉडेड का दर्शन होगा। तो दो एक क्या एक्टिविटीज़ में दोनों साध्य कर रहे हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण वहाँ पे जाते हैं, वो आता है काल्यवन लात मारता है। तो जैसे ही लात मारता है मुचुकुंद राजा जो इतने साल से सोए हुए हैं वो उठ जाते हैं, और जैसे उनकी नज़र काल्यवन पर पड़ती है तो काल्यवन क्या होता है, भस्म हो जाता है, और फिर मुचुकुंद राजा जो है भगवान कृष्ण का दर्शन लेते हैं। तो ये स्टोरी है, तो हम देख सकते हैं कि पुरुष वो क्यों मथुरा से गए थे द्वारका एस्टैब्लिश करने के लिए। ऑन द वे भी बहुत सारे पास टाइम हुए थे, उसमें से एक पास टाइम है, और एक पास टाइम आता है कि जरासंध फिर आ गया पीछे पीछे, अभी काल्यवन भाग रहा तो जरासंध भी आ गया, और जरासंध आता है तो कृष्ण बलराम क्या करते हैं, पर्वत के चोटी पर चढ़ जाते हैं, और जरासंध को लगता है कि अभी अभी इनको मारना इजी हो गया। तो जरासंध पूरा जो पर्वत श्रृंखला है उसको ही आग लगा देते हैं, मतलब उसके पेड़ पौधों को, और आग इतनी भड़कती है कि आग ऊपर तक जाती है चोटी तक। और फिर कृष्ण बलराम क्या करते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वो जंप करते हैं नीचे, और जरासंध को लगता है कि उन लोग दोनों मर गए, वो खुश होकर वापस चला जाता है और सेलिब्रेट करता है कि कृष्ण बलराम एक्चुअली उन लोग एस्केप करते हैं, उनको फाइट नहीं करना होता, कितने बार फाइट करें।
और फिर जाके वो द्वारका नगरी एस्टैब्लिश करते हैं। तो इसलिए वो वृष्णी के प्रमुख कहा गया कि द्वारका नगरी में भी हम देख सकते हैं कितना बड़ा ऑपुलेंस था कृष्ण का, कि 16,108 पैलेसेस थे अलग अलग रानियों के लिए, और वो पैलेसेस कुछ आरसीसी स्ट्रक्चर या लकड़े के नहीं थे, तो हीरे जवाहरात के पैलेसेस थे। तो ये उनका ऑपुलेंस था कृष्ण का। तो इसलिए वहाँ पे कहा गया कि कृष्ण वृष्णि प्रमुख बताया गया, ऋषभ मीन्स प्रमुख। और बताया गया कि राजन्य वंश, अभी भगवद गीता में राजन्य वंश दहन, तो राजाओं का विनाश करने के लिए भगवद गीता में हम देखते हैं, जहाँ पे कृष्ण चौथे अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं कि जो ये नॉलेज है ये कैसे पास ऑन होता है, राजर्षि के मार्फत से पास ऑन होता है। तो राजर्षि सेंटली किंग्स जो है वो क्या करते हैं, ये नॉलेज लेते हैं और भगवद गीता का ज्ञान जो है वो आगे पास ऑन करते हैं, क्योंकि किंग जो है वो जो है भगवान का प्रतीक है। जैसे हम स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं ना, साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र है, तो वो प्रतीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे ही किंग भी कौन है, ये भगवान का प्रतीक है। तो भगवान ने सब सुविधा दी है लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम किसके पास होता है, राजाओं के पास होता है, सेंटली किंग्स, राजर्षिज बोला जाता है। और वो सब फैसिलिटीज़ अपने प्रजा को देती है, फैसिलिटीज़ भी देते हैं प्लस कृष्णा कॉन्शियसनेस भी देते हैं। तो ये उनका काम होता है कि रिप्रेजेंट करना भगवान, भगवान भी तो चाहते हैं कि उनके जो लिविंग एंटिटीज़ हैं उनके पास आए, उनकी भक्ति करें। तो किंग्स जो उनको सिखाते हैं, बट जो किंग्स रेबेलियस है भगवान के अगेंस्ट, जो अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट दावा पुकार रहे हैं कि नहीं नहीं मैं भी भगवान की वाणी को फॉलो नहीं करूँगा, तो उसको उनका संहार करने के लिए कृष्ण आते हैं। राइट, कौन सा अवतार है कृष्ण का, परशुराम, परशुराम अवतार, जहाँ पे उन्हें क्षत्रियों का अनाहलेशन करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। राइट, तो ऐसे बहुत सारे हैं, किंग वेण का भी एग्जाम्पल आता है भागवतम में, उनका वर्णन है कि कैसे वो एक नास्तिक राजा बन गए थे, उन्होंने भगवान के प्रति सब यज्ञ रुकवा दिए गए थे, फिर ब्राह्मणों ने उनको पदभ्रष्ट कर दिया। सो जो किंग भगवान की वाणी को फॉलो नहीं करते, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, उनका संहार भगवान कृष्ण खुद करते हैं, क्योंकि अगर वो पोल्यूट हो गए तो हम देखते हैं ना कि वैदिक लाइफस्टाइल में या द्वापर युग तक हम देख सकते हैं कि मोनार्की था, मोनार्की मतलब किंगडम, किंग्स वेर द प्रोमिनेंट, लेकिन ये सब कलयुग में क्या हो गया, क्षत्रियों ने वो पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना चालू कर दिया, और दे स्टार्टेड टू थिंक दैट आई वी आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअली वी आर ओनली द सुप्रीम, हम ही भगवान हैं। और वो एन्जॉयमेंट का प्रतीक, वो एन्जॉयमेंट का इच्छा होने के कारण क्या हो गया, अभी हम देखते हैं कि मोनार्की का पूरा रहस्य हो गया है, कहाँ पर भी मोनार्की रहा नहीं है, भी तो सिर्फ नाम के लिए हैं राजा और क्वीन और रानी जो भी है, कुछ देशों में है अभी तक, बट उनके पास कुछ पावर्स नहीं है, सब पावर्स किसके पास है, डेमोक्रेसी। तो मोनार्की खत्म हो गया है, मोनार्की खत्म हो गया है, तो जो भगवद्गीता में कृष्ण श्लोक बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्त तेवे तरोजना, कोई श्रेष्ठ रहा ही नहीं, डेमोक्रेसी में सब इक्वल है बराबर, तो एवरीवन इज फॉलोइंग देयर ओन नेचर, नोबडी इज फॉलोइंग कृष्णाज इंस्ट्रक्शन। सो द किंग्स का रोल ये था कि प्रजा को गाइड करे, कृष्णा कॉन्शियस कैसे होना है, उनके वाणी को कैसे फॉलो करना है, बट वो नहीं हुआ कलयुग में, वो नहीं हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। इसलिए यहाँ पे उनको कुंती महारानी कह दिया कि वो राजन्य वंश दहना, कि ऐसे राज्यों को या राजाओं को का संहार करने के लिए वो आ रहे हैं। जो राजा फॉलो करते हैं उनको ऑल फैसिलिटीज़ है, बट जो नहीं करते उनको क्या है, उनका संहार करने आते हैं, दहना मीन्स अनाइलेटर। उनकी उसके आगे आता है अनपवर्ग, अनपवर्ग इसका बहुत अच्छा मीनिंग प्रभुपाद बताते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं अनपवर्ग का मीनिंग विदाउट डिटीटोरेशन। तो हमारी जो संस्कृत की व्यंजन है इसमें प वर्ग करके आता है, सो प के 5 सिलेबल्स है,
प ब भ म, राइट, पता है प फ ब भ म, संस्कृत सीखते हैं या हिंदी मराठी में होता है तो उसका मीनिंग प्रभुपाद बताते हैं। प वर्ग मतलब एक्चुअली प फॉर परिश्रम, कि हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। फ मीन्स प फ, फ मीन्स बहुत हार्ड वर्क करने से फेन आता है, मतलब थकान होती है। प फ भ, भ मीन्स भय, प फ ब, ब मीन्स सॉरी, ब मीन्स व्यर्थ, थर्ड इज ब, ब मीन्स व्यर्थ, व्यर्थ होना, ये सब जो हमारा परिश्रम है फेन आने सब व्यर्थ है। और उसके बाद भ, भ मीन्स इतना सब कुछ परिश्रम करने के बाद भी हम क्या रहते हैं, हर समय भय में रहते हैं। और लास्ट में म मीन्स मृत्यु। तो ये जीवन का साइकिल प्रभुपाद बता रहे। प वर्ग मीन्स क्या है, तो प वर्ग मीन्स ये एक्टिविटीज चलते हैं। तो भौतिकतावादी लोग इसमें ही जकड़े हुए हैं कि प वर्ग को फॉलो करने के लिए। तो ये प वर्ग को फॉलो ना करके प्रभुपाद कहते हैं कि अपवर्ग और अनपवर्ग, मीन्स कृष्ण क्यों आते हैं, क्योंकि ये अनपवर्ग देने के लिए। सो पवर्ग मतलब परिश्रम, या परिश्रम कर अपना जीवन व्यर्थ करके मृत्यु को पाना। बट अनपवर्ग मीन्स पाथ ऑफ लिबरेशन, प्रवृत्ति मार्ग एंड निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग से बताने के लिए आते हैं कृष्ण, ये आप निवृत्ति मार्ग लो, ये संसार में सिर्फ परिश्रम के माध्यम से जकड़े मत रहो। तो इसलिए वहाँ पे बोला कि अब अनपवर्ग, ये अनपवर्ग देने के लिए आते हैं। जैसे कृष्ण भगवद गीता हमें दे रहे हैं अर्जुन के मार्फत से, ये क्यों दे रहे हैं, अब दिया है, अर्जुन को तो रिक्वायरमेंट नहीं था, बट हमारे जैसे जीवों को इसकी रिक्वायरमेंट है। वैसे ही ये भागवतम, कि कृष्ण सधाम उपगते धर्म ज्ञानाधि भी सहा कलो नष्टो दुषाम ईशान पुराणार्को अधुनोदितः। तो कृष्ण जब इस स्वधाम में चले गए तो अपने साथ क्या लेके गए, कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानाधि भी सहा, धर्म और ज्ञान को लेके चले गए। तो इधर फिर क्या रह गया, तो क्या रह गया है, जिस धर्म का शेल्टर, धर्म किसका शेल्टर लेगा, भगवान जो थे खुद आए थे धर्म संस्थापनार्थाय, ठीक है, तो वो धर्म का प्रोटेक्टर थे। बट जब वही चले गए, जैसे ही उन्होंने गोलोक गमन किया, कलयुग का प्रारंभ हो गया और धर्म का ह्रास होना चालू हो गया, राइट। हम स्टोरी जानते हैं परीक्षित महाराज के किंगडम में कली का एंट्रेंस होता है। तो जैसे ही कृष्ण ने स्वधाम चले गए, क्या हो गया, कली का एंट्री हो गया। तो धर्म किसका शेल्टर लेगा अभी, परीक्षित महाराज तो कुछ कमाई के लिए थे, उसके बाद कोई राजा ही नहीं रहा, मोनार्की नहीं रहा, तो शेल्टर किसके लेगा, धर्म शेल्टर किसका लेगा। तो शेल्टर किसका लिया धर्म ने, भागवतम का लिया, पुराणार्को अधिनोदितः। ये पुराण ऐसा है कि वो कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद प्रकट हुआ है, व्यासदेव जी ने स्पेसिफिकली लिखा है, क्योंकि कृष्ण प्रेजेंट नहीं है इस कलयुग में, इसलिए भागवतम को लिखा है ताकि हम कृष्ण को समझ सके, भगवान कृष्ण को लीलाओं को समझ सके, उनकी ये सब वैशिष्ट्यों को समझ सके, तो इसलिए भागवतम है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि वो अनपवर्ग के बाद ये पाथ ऑफ लिबरेशन, इससे हमें पता चलता है कि निवृत्ति मार्ग क्या है, क्योंकि भागवतम फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ वेरियस डिवोटीज ऑफ कृष्णा, जहाँ पे दिखता है कि कैसे भगवान के जो भक्त है उनको हम हमेशा उनके चिंतन में रहते हैं, और जो गलतियाँ करते हैं उनको भी कैसे शेल्टर मिलता है भागवतम से या कृष्ण की सेवा से। ये भागवतम में पूरा वर्णन है, बहुत सारे स्टोरियाँ हैं, बहुत सारे पास्ट टाइम्स हैं उनके डिवोटीज के। तो ये हमें सीख देती है कि यस, वी हैव टू फॉलो द सेम फुटस्टेप्स ऑफ दीज आचार्यज और डिवोटीज, सो दैट हमें भी वो पाथ ऑफ लिबरेशन पे चलने का मौका मिले या इंटरेस्ट आए। क्योंकि इस कलयुग में हम इतने ये पवर्ग में जकड़े हुए हैं कि निवृत्ति का हम सोच ही नहीं सकते। एवरी टाइम देयर इज अ प्रवृत्ति, कुछ एंजॉय करने की इच्छा है हमको, हाँ, एडिशंस करने का। निवृत्ति होगा कैसे, अगर त्याग कभी होगा, जब भी कुछ हमारे पास पजेशंस है, हमारा है क्या कि त्याग कर सके हम, राइट। तो इसलिए कृष्ण ये बताने आ रहे कि कैसे हमें त्याग करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को कैसे बताया त्याग करना चाहिए, उसको बोला कि जाओ आप संन्यास ले लो,
और मैं लड़ता हूँ आपके लिए, ऐसा तो नहीं बोला, बट स्टिल अर्जुन अचीव्ड द पाथ ऑफ लिबरेशन। व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन कि आपका ड्यूटी तो करो ही, बट वो कैसे करो? माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद कर कर आप युद्ध करो। वैसे हमारे लिए भी माम अनुस्मर जो भी है, जॉब कर या जो भी है, तो अर्जुन को तो युद्ध बोला, हमारे लिए जो ड्यूटी है ये कैसी होनी चाहिए? माम अनुस्मर, कृष्ण को अनुस्मर करके, कृष्ण को याद रखकर होनी चाहिए। तो निवृत्ति मार्ग ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ना है, बट एक्टिविटीज़ करने हैं, सेवा करनी है, बट वो कृष्ण के लिए करनी है। जो भी हमारे एक्टिविटीज़ है वो कृष्ण के लिए होने चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं एक श्लोक में कि ब्रह्मांड प्रण ब्रह्महवीर ब्रह्माण्डनो ब्रह्मनाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जो भी एक्टिविटीज़ हम मटेरियल वर्ल्ड में कर रहे हैं वो अगर कृष्ण के प्रति संलग्न नहीं है, सुप्रीम पर्सनल गॉड के प्रति संलग्न नहीं है, तो वो सब कैसी है? भौतिक एक्टिविटीज़ है, मटेरियल है। बट वही सेम एक्टिविटी जब हम कृष्ण के एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं तो वो एक्टिविटी में यूज़ हुआ हुआ साधक साधन सामग्री, उसका कर्ता, उसका रिजल्ट, उसकी जगह, सब कुछ क्या हो जाता है? स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। जो भी एक्टिविटीज़ हो, सिंपल एग्जांपल कुकिंग का, अगर हम कुकिंग कर रहे हैं और ये सोच कर रहे हैं कि मेरा पेट भरने के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं या कुछ मुझे पैलेटेबल डिशेस खाने हैं, तो वो भौतिक हो गया। कहते हैं ना कृष्ण, भुंजनते त्वगम पाकम पचंती एत कारमणा, कि आप अगर कुछ विदाउट भोग लगाए बिना मुझे खा रहे हो तो क्या खा रहे हो आप? सिंस, यू आर ईटिंग द सिंस। तो वैसे ही अगर हम कृष्ण को भोग नहीं लगा रहे हैं, कृष्ण को अर्पण नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल कुकिंग भी कैसा है? सिंफुल है, मटेरियलिस्टिक, भौतिक है। बट वही कुकिंग जब हम भगवान के लिए खुशी के लिए कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, तो करने वाला भी भोग लगाया, प्रसाद, सब कुछ क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है, उसका रिजल्ट भी प्रसाद बन जाता है। तो इसीलिए ये है पाथ ऑफ लिबरेशन। ऐसे नहीं लिबरेशन मतलब सब कुछ छोड़ना, हिमालय में जाना, प्रभुपाद ने ऐसे में नहीं सिखाया। तो अपन ने सिखाया कि हमारे ड्यूटीज़ करो बट एट द सेम टाइम कृष्ण का स्मरण करो। तो वो पाथ ऑफ लिबरेशन सिखाने कृष्ण यहाँ पे आ रहे। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, लेकिन जो गलत इसमें से इंटरप्रिटेशन करने वाले तो बहुत सारे हैं। कोई बोलता है नहीं कृष्ण को शरण मत जाओ, हाँ कृष्ण के अंदर जो शक्ति है उसको शरण जाओ। कोई बोलता है कि भगवद गीता क्या है? युद्ध का किताब है, घर में मत रखो। बट अर्जुन तो खुश हो गए ना भगवद गीता सुनकर, उन्होंने अपना ड्यूटी अच्छे से निभाया और भगवधाम चले गए। बट हम देखते हैं कि इसका गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले ये हमेशा क्या करते हैं? लोगों को गलत रास्ते पर लेके जाते हैं। अंधा यथा अंधे उपगीयमाना, एक अंधा दूसरे अंधे को क्या कर रहा है? खड्डे में डाल रहा है। भागवतम बोलता है, भागवतम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो हमें समझना चाहिए कि जो प्रभुपाद हमें कह रहे हैं वही फॉलो होना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है और हम कुछ फ्लावरी वर्ड्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वेदास में बहुत सारे फ्लावरी वर्ड्स है, क्योंकि वेदास में बहुत सारा कर्मकांड लिखा हुआ है कि कैसे आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, काम सॉरी धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया गया। तो धर्म करने से आप कैसे अर्थ कमा सकते हो, कैसे काम पा सकते हो, सब लिखा हुआ है। बट हम उधर तक ही रुक जाते हैं, मोक्ष दिखता नहीं हमको। तो ठीक है, क्योंकि धर्म करते हैं फिर अर्थ मिलता है, फिर काम एन्जॉयमेंट होता है, बट एन्जॉयमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर वापस धर्म के पास आते हैं। बट वो धर्म अर्थ काम में उतना ही लिमिटेड एन्जॉयमेंट है, फिर क्या करते हैं? हम अधर्म का साथ लेते हैं, उसके अर्थ कमाते हैं, उसका काम एन्जॉय करते हैं। तो बैठ गए यहाँ पे फिर मटेरियल वर्ल्ड में, अधर्म का साथ दिया तो हमारा फिर नो चांस टू गोइंग बैक टू गॉडहेड, मोक्ष का चांस नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण ने जो हमें पाथ दिया है, पाथ ऑफ लिबरेशन अपवर्ग का, जो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं ये कैसे फॉलो होना चाहिए, वो एज इट इज़ फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे हमें समझ में आता है। उसके आगे लिखा है गोविंद की गोलोक के स्वामी, हमें पता है कृष्ण गोलोक के स्वामी हैं। हम अभी कुछ लास्ट वीक मैं सोमनाथ द्वारका वगैरह गया था, तो वहाँ पे ये सब जगह है जो मैं बता रहा था, मुचुकुंद की गुफा है,
बट वो पर्वत है जहाँ से कृष्ण बलराम ने जम किया था। हम लोग सोमनाथ गए थे, प्रभास क्षेत्र, वहाँ पे जगह है जहाँ पे गोलोक गमन तीर्थ बोला जाता है कि वहाँ से भगवान ने क्या किया, गोलोक पर चले गए। तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है, पुजारी वहाँ का बता रहा था कि अभी भी वहाँ पे कृष्ण ने छोड़े खड़ाऊ है, खड़ाऊ मतलब चप्पल, लकड़ी के चप्पल होते हैं खड़ाऊ, वो अभी भी वहाँ पे है। जो जगह है वहाँ पे भलका तीर्थ करके जगह है जहाँ पे कृष्ण को बाण लगा था पाँव में, वो सब जगह वहाँ पे है। तो द प्लेसेस आर देयर, कृष्णा वॉज हियर, ही परफॉर्म्ड हिज पास्ट टाइम, ही वेंट टू गोलोक ऑल्सो। तो मैप पे आप देख सकते हैं गोलोक गमन तीर्थ सोमनाथ के पास में है, तो गोलोक के स्वामी हैं। उसके आगे लेते हैं गो द्विज सुर अतिहर अवतार की हम प्रयास करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण हिताय च। तो किसके हित करने वाले हैं, गो और ब्राह्मणों के। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इनके प्रति अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उनका संहार करने के लिए भी कृष्ण अवतार रहते हैं। तो ये तीनों चीज़ कृष्ण को प्रिय है, गो ब्राह्मण एंड डिवोटीज़। तो इनको अगर कुछ तकलीफ हो रहा है तो एक बार डिवोटीज़, ब्राह्मण, गो, उन लोग सह लेंगे, लेकिन कृष्ण नहीं भूलते उसको। इसलिए तो पांडवों के प्रति दुर्योधन ने इतना गलत कुकर्म किया। पांडव हमेशा उनको क्या कर रहे थे, फर्गीव कर रहे थे, बट कृष्ण ने हर एक का हिसाब रखा और वृद्ध भूमि पर सब कुछ चुकाया। क्यों? क्योंकि भक्तों को तकलीफ देना कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। तो हम भी जब भक्तों के संग में हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भक्त को ठेस ना पहुँचे हमारी वजह से, क्योंकि कृष्ण को हम खुश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम कृष्ण के ही भक्तों को तकलीफ दे रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन्स है। तो हमारा व्यवहार भक्तों के प्रति हमेशा कैसे होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। और यही हमको चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं ना, तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णु, कि हमको सबसे पहले विनम्र होना है यहाँ पे भक्तों के संग में आने के बाद। बाहर के जगत में हर एक जन दंभ के भाव में है, प्राउड लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब लोग फॉलो करने चाहिए। बट यहाँ आने के बाद हम क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं। प्रभु मतलब आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे मास्टर हो, तो हमें सर्वेंट बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए। बाहर कोई सेवा नहीं करता, बाहर सबको चाहिए कि मेरी सेवा सब लोग करें, उल्टा है, है कि नहीं? सो बट यहाँ पे हमें कृष्णा कॉन्शियस में प्रभुपाद ने इतना अच्छा हमें ये संघ दिया है, मंदिर दिया है, ये फिलॉसफी दिया है, इतना क्लियर फिलॉसफी तो और कोई दे भी नहीं पाएगा। तो ये हमें इसका सदुपयोग करना है, ये जीवन हमको मिला है। बहुत रेयर चांस है कि हम प्रभुपाद के मूवमेंट जुड़े हैं, ये फिलॉसफी हमको समझ रहा है, भागवतम समझ रहा है, पढ़ने मिल रहा है, राइट? तो ऐसे वो गो द्विज और सुरों के दुख दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। उनको योगेश्वर भी कहा जाता है कि सब योग के वो स्वामी हैं। क्या श्लोक है भगवद गीता का लास्ट श्लोक क्या है? यस, हाँ, लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता कौन बता पाएगा? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयी भूतिर ध्रुव नित्रिमम। सो जहाँ पे कौन है, योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पे सखा अर्जुन है, धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ पे विजय क्या है, पक्की है, ठीक है? योगेश्वर अर्जुन नहीं, योगेश्वर कृष्ण बोला गया है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो कृष्ण को क्या कहा गया, योगेश्वर, योगों के स्वामी। वैसे ही और लास्ट में क्या आता है, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वो भी लिखा है। और वो कौन है, भगवान है। भगवान का भी हमें डेफिनेशन पता है, क्या है भगवान का डेफिनेशन, छह ऐश्वर्य। भग मीन्स सिक्स ऑपुलेंसेस, वान मीन्स जो पजेस करता है। तो जिनके पास छह ऑपुलेंसेस फुल है वो कौन है, भगवान। कौन से छह है, कौन बता पाएगा? फर्स्ट, फुल ऑफ नॉलेज, और फुल ऑफ स्ट्रेंथ, और फुल ऑफ ब्यूटी, वेल, धन, रिनाउंसिएशन, और
और फेम, फेम सिक्स है फेम। तो ये छः जिनमें फुल है वो कौन है? भगवान, भगवान। ऐसे सब क्वालिटीज़ को कुंती माता क्या कह रही है? मैं आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ठीक है, सो इतने क्वालिटीज़ देखने के बाद तो कोई भी नमन करेगा उनको। तो हमें भी याद रखने हैं क्वालिटीज़। ये प्रेयर्स बहुत अच्छे प्रेयर्स है, सब लोग इसको बाय हार्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद इज़ रिकमेंडेड अस टू लर्न दिस प्रेयर्स एंड रिसाइट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। 25 श्लोक हम लोग बाय हार्ट भी करके, 5 भी याद आ गए तो भी कृष्ण खुश हो जाएंगे। कुछ तो याद रह रहा है इसको, है कि नहीं? हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? यस। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्रवृत्ति मार्ग तो सभी कर रहे हैं ना, बाहर के जगत में प्रवृत्ति मार्ग सभी कर रहे हैं। प्रवृत्ति मार्ग मतलब क्या? और एन्जॉयमेंट, अक्यूमुलेट एन्जॉय, अक्यूमुलेट एन्जॉय। ठीक है, वो तो सब लोग कर रहे हैं बाहर के जगत में। तो निवृत्ति मार्ग जो, ऐसा नहीं कि वो कोई आश्रम के लिए नहीं है, ये निवृत्ति मार्ग सबके लिए है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर गृहस्थ आश्रम में हम सेंस कंट्रोल करते हैं तो ही इज अ परफेक्ट ब्रह्मचारी, प्रभुपाद सेज। तो दैट मीन्स निवृत्ति मार्ग हो गया कि वो कृष्ण के प्रति संलग्न है, ना कि एन्जॉयमेंट के लिए वो गृहस्थ आश्रम ले रहा है। सो एक होता है ना, एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृहमेदी। गृहमेदी मतलब वो एन्जॉयमेंट के लिए या आश्रम ले रहा है या शादी कर रहा है। बट जो डिवोटी है, जिसको पता है गृहस्थ आश्रम का मीनिंग क्या है, वो एन्जॉयमेंट के लिए नहीं करता, वो कृष्ण की सेवा के लिए करता है। ठीक है, तो प्रवृत्ति मार्ग सबके लिए है, सॉरी निवृत्ति मार्ग सबके लिए है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ब्रह्मचारी या सन्यासी के लिए है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम निवृत्ति मार्ग एक्सेप्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? ड्यूटीज निभाओ, बट किसके लिए? कृष्ण के लिए, कृष्ण को खुश करने के लिए। अगर हमारा, इतना सिंपल चीज़ है, अगर हमारा कोई भी एक्टिविटी, हमको खुद को पूछना है कि ये कृष्ण को खुश करेगा या नहीं करेगा, वो चाहे एक्टिविटी कौन से भी आश्रम में हो, कौन से भी वर्ण में हो, अगर कोई एक्टिविटी कृष्ण को खुश कर नहीं रहा है, प्रभुपाद को खुश नहीं कर रहा है, तो फिर वो नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी एक्टिविटी कोई भी आश्रम में कोई भी वर्ण में अगर कृष्ण को या प्रभुपाद को खुश कर रहा है तो हमें करना चाहिए। तो इसलिए हमें डेली बुक्स पढ़ने हैं, भागवतम सुनना है। क्लियर? यस, यस। हाँ, क्वेश्चन क्या है? स्टोरी तो मुझे थोड़ी सी पता है कि वो रेस्टिंग कर रहे थे और वो जो हंटर था उसको लगा कि ये हिरण का मुंह है और एक्चुअली कृष्ण का पांव था, उसने बाण चलाया। तो अभी उसके पीछे का तत्व मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं उतना, बट हम ये समझ सकते हैं कि एक लीला है कृष्ण की। अभी उनको जो कार्य के लिए कृष्ण यहाँ पे आए थे वो कार्य सब संपन्न हो गया था, तो उनको वापस तो जाना ही है गोलोक गमन। तो एक उन्होंने लीला रचाई उसमें, और अभी हम गए थे सोमनाथ और द्वारका, तभी हमने वो सुना कथा उसका, कि ऐसा था कि वो बाण लगने के बाद भी भालका तीर्थक पे जगह है, वहाँ पे कृष्ण को बाण लगा, और भालका तीर्थ से गोलोक गमन तीर्थ जो जगह है वो करीबन 5 किलोमीटर पर है। तो उसके बाद 9 दिन तक कृष्ण गोलोक गमन गए थे वहाँ पे तीर्थ पे, और वहाँ पे एक, वहाँ पे उन्होंने उद्धव को गीता बताई वापस, पूरा सार ऑफ द वेदास उद्धव को वापस बताई कि अभी सब प्रलय होगा। जैसे ही कृष्ण भगवान ने गोलोक गमन किया, द्वारका नगरी प्रलय में चली गई, तो उद्धव को लास्ट उन्होंने गीता बताई थी कि आप जाके इसका प्रचार करो। तो ऐसा नहीं कि वो उनको बाण लग गया और वो साधारण आदमी की तरह नहीं थे, वो वापस गीता बता रहे हैं उद्धव को, तो हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, but when his father left, all the Brahmanas
तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ, या जितना मैंने पढ़ा है कि जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई बच्चा नोटोरियस है, ठीक है, तो फादर जनरली उसको घर से नहीं निकालता, उसको सिखाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो सेम वे जो राजा वेन जो है, ऑफकोर्स ही डिडंट हैव द पावर टिल द फादर वॉज देयर, ही वॉज पुटिंग रिस्ट्रिक्शन बट ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो उनको इंस्टॉल किया, ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के बाद सुधर जाएगा या सब अलाउ करेगा। तो ब्राह्मण का ऑप्शन नहीं है, द फर्स्ट ऑप्शन इज दे हैव टू पुट द सन ऑफ द किंग एज अ किंग, एज अ प्रिंस, एज अ किंग, ठीक है। तो उन्होंने बिठाया, बट उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भी तकलीफ देना चालू कर दिया। ही स्टॉप्ड द यज्ञ, ही स्टॉप्ड, मतलब पूरा एथिस्टिक नेचर हो गया उसका, स्टॉप गिविंग चैरिटी। तो फिर ब्राह्मण ने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी ये पॉसिबल नहीं है। एंड द पास्ट टाइम गोज अहेड कि वेणा को मार देते हैं, लेकिन उनका बॉडी प्रिजर्व करते हैं, और उनका बॉडी के में से ही भगवान अवतरित होते हैं, पृथ्वी महाराज, ठीक है, उनके बॉडी में से ही, समझ में आता है। तो हम समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली दिस इज अ कृष्णाज अपियरेंस अगेन एज अ इनकारनेशन एज अ पृथ्वी महाराज, राइट। सो क्यों नहीं बता सकते, ये समझ सकते हैं कि सी जो स्टोरीज है ना, इसमें जो भी कृष्ण की लीला होती है, हमको उसको क्यों पूछना पूछ नहीं सकते, बिकॉज वो कृष्ण की लीला है एंड ही इज अभिज्ञ सौराट, सो इज इंडिपेंडेंट, ही कैन डू एनीथिंग। या बट द ऑप्शन वॉज नॉट देयर, मे बी आई लाइक टू रीड, बट ऑप्शन पेबल ना, फर्स्ट किंग के लड़के को ही, अभी दुर्योधन भी तो नहीं था क्वालिफाइड बचपन से, दुर्योधन ने तो बचपन से ही क्या है, भीम को पॉइजन दिया था, बचपन में किया था, बट स्टिल ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन। सो नेचुरल इनहेरिटेंस। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।